नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसा कि आज महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से संजय राठौर को अपना पद और ओहदा छोड़ना पड़ा। अब वजह की बात करें तो वजह भी जानी मानी है। जी हाँ, 22 वर्षीय टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले को लेकर विवादों में घिरे शिवसेना नेता संजय राठौर ने आज सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और उन्हें अपना इस्तीफा पद दे दिया। संजय राठौर ने सीएम उद्धव को अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। वैसे संजय राठौर सीनियर मंत्री हैं और पार्टी का बड़ा चेहरा भी। हालांकि संजय राठौर पर आज ही शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने राजधर्म की याद दिलाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर शेयर की। इससे पहले विपक्ष के सवालों पर संजय राउत ने कहा था कि यह मामला महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है और सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जल्द से जल्द जांच करने को कहा है। मालूम हो कि पुणे की 22 वर्षीय टिकटॉक स्टार पूजा चौहान ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पूजा की मौत के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया, क्योंकि पूजा का नाम महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर के साथ जोड़ा गया है। हाल ही विवादों में घिरने के बाद से संजय राठौर सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। राठौर ने दावा किया है कि महिला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद से गंदी राजनीति खेली जा रही है। एक तरफ संजय राठौर ये कहते हैं कि उनके साथ गंदी राजनीति खेली जा रही है और दूसरी ओर वे खुद ठाकरे के पास इस्तीफा भी देने गए थे। गौरतलब है कि इस मामले पर विपक्ष पहले से ही उद्धव सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस मामले में राठौर को पद से हटाने और 22 वर्षीय टिकटॉक स्टारर पूजा की मौत के मामले की विस्तृत रूप से जांच की मांग की है। हालांकि अब राठौर ने सीएम उद्धव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस विवाद का उद्धव सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है और आगे क्या क्या नई नई कहानियां नजर आती दिखाई देंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।